मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही गर्मी आती है, गन्ने का जूस पीने का सभी को दिल करता है। बाजार से निकलते हैं, दिल करता है गन्ने का जूस पी लें, लेकिन बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल का जो टाइम चल रहा है कोरोना का, कोई भी बाहर से पीना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आज हम घर में बनाएंगे बगैर गन्ने के गन्ने का जूस। मिनटों में बनकर तैयार होगा, वही टेस्ट होगा, वही फ्लेवर होगा। तो चलिए शुरू तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपना गन्ने का जूस। आज हम बनाएंगे गन्ने का जूस घर पर बिना बिना गन्ने के, वो बनाएंगे गुड़ के साथ। इसको हमने 2 पीस ये गुड़ के लिए, इसको हम इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा करना है ताकि ये मेल्ट होने में इसको आसानी रहे। इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा इसको कट कर लेंगे। आप कहेंगे कि गुड़ से गन्ने का जूस, तो आप सबको मालूम ही होगा कि गुड़ जो है गन्ने के जूस से ही बनता है। गन्ने से ही गुड़ को बनाया जाता है। और ये जो फॉर्म है गुड़, ये गन्ने का ही फॉर्म है। इससे बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह का आपको टेस्ट आएगा जैसे बाजार से आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको टेस्ट आता है। इसी तरह से हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लड्डू वाला गुड़ लिया है। इससे क्या है कि अच्छे से ये कट जाता है और सॉफ्ट होता है ये गुड़। अच्छे से जो है इसको काटने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे गर्मियों में गुड़ कोई भी आप लें तो आपको काट काट करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास गुड़ ना हो तो आप पाउडर फॉर्म का जो गुड़ होता है शक्कर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इस सबको आप डाल देंगे अपने मिक्सी के जार में। ये सारे गुड़ को हम डाल देंगे अपने मिक्सी के जार में। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, हर किसी का दिल करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पिए। और गन्ने के जूस के से जो ठंडक मिलती है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि इतना गन्ना जो है रिफ्रेशिंग होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है और रिफ्रेशिंग भी होता है। तो हमने गुड़ तो डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। ये कद्दूकस किया हुआ 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। हमने इसको छील कर धोकर कद्दूकस कर लिया है। तो ये 1 इंच का जो टुकड़ा है वो हम कद्दूकस करा हुआ इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ। इस तरह से पुदीने का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसमें, और पुदीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू। नींबू के भी आप सभी को मालूम है कितने गुण होते हैं। तो ये आधा नींबू इसमें हम निचोड़ देंगे। इसके अंदर अब जाएगा 1/3 स्पून काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। 1/3 स्पून ही डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे पानी, फिल्टर्ड वाटर डालें। चिल्ड वाटर डालना चाहते हैं चिल्ड डाल सकते हैं, लेकिन पहले जो है हम इसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे ताकि हमारी जो गुड़ है अच्छे से इसमें पिस जाए। तो 1 ग्लास हम इसमें, बड़ा ग्लास हम इसमें इस तरह से पानी का डाल देंगे। इसको हम अच्छे से एक बार मिक्सी को घुमा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी का और डाल चेक कर लेते हैं इसको। तो हमने इसको अच्छे से जो है मिक्सी में एक बार अच्छे से घुमा लिया है। इसको चेक कर लेंगे एक बार, अच्छे से जो है इसका गुड़ जो है पिस चुका है। इसमें हम 2 ग्लास पानी का भी डाल देंगे। एक बार इसको और घुमा लेंगे। तो हमने इसको दोबारा से घुमा लिया, चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें झाग आ रही है। ऐसे ही बाजार से जब आप पीते हैं तो ऊपर गन्ने के जूस में झाग आती है ना, उसी तरह से इसमें झाग आ रही है। तो ये गन्ने का जूस हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम शिफ्ट कर देंगे अपने ग्लासेस में। यकीन मानिए जब आप ये पियेंगे तो आप भूल जाएंगे कि बाजार से भी हम इसको पिए, घर में ही पियेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। इसको हम जो है कपड़े में मिक्सी में, गन्ने को हम बाजार से लाते हैं, गन्ने को हम मिक्सी में डालकर जो है पीस लेते हैं और उसके बाद कपड़े से निचोड़ कर गन्ने का जूस बनाते हैं। वैसे भी बन सकता है लेकिन वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता है। ये बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हमने बनाया और बिल्कुल वही टेस्ट है, वही इफेक्ट है। तो ये आप इस तरह से आप इसको बनाएं। और इसमें आइस क्यूब डालना चाहते हैं आइस क्यूब डालें। आप इसको चिल करके पिएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। पुदीने से इसको इस तरह से गार्निश कर दें तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ये गन्ने का जूस। पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कॉमेंट करें। पर इस गर्मियों में इसको पीना बिल्कुल ना भूलें। तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।